अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला भारतीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम से चलेगी, जिसमें भारतीय क्यूआर कोड, मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड तीनों का एक साथ कम्बिनेशन देखने को मिलेगा। स्मार्ट सिटी के लोगों के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सिस्टम शुरू किए जाने की योजना है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर ली है, साथ ही अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। खेल नगरी धर्मशाला को अब जल्द ही स्मार्ट बनने की प्रक्रिया भी इससे शुरू हो गई है। अब स्मार्ट सिटी धर्मशाला भारत डिजिटल पेमेंट सिस्टम से चलेगी, जिसमें भारत क्यूआर कोड, मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। स्मार्ट शहर के लोगों के लिए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सिस्टम शुरू किए जाने की योजना है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर ली है, साथ ही अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। खेल नगरी धर्मशाला को अब जल्द ही स्मार्ट बनने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत स्मार्ट सिटी लिमिटेड धर्मशाला ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम की डीपीआर तैयार कर ली है। स्मार्ट शहर के लिए तैयार किए गए डिजिटल सिस्टम में सबसे हाईटेक सुविधा शहर के लोगों को प्रदान करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत शहर की दुकानों, होटलों और छोटी मोटी सभी दुकानों को शामिल किया गया है। इसके तहत लोगों को स्मार्ट डिजिटल कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे ही शहर के लोग अपनी खरीदारी कर सकेंगे। साथ ही किसी भी कार्य के लिए ऑनलाइन ही भुगतान किया जा सकेगा। इंटीग्रेट मार्केटिंग सॉल्यूशन प्रदान करने के लिए तीन कॉम्बिनेशन एक साथ प्रदान किए जाएंगे। इसमें पहला मोबाइल ऐप होगा, जो कि हर व्यक्ति के स्मार्ट मोबाइल में रहेगा। इसके साथ ही भारत क्यूआर कोड सिस्टम से भी भुगतान किए जा सकेंगे। इसके अलावा एटीएम कार्ड की तर्ज पर डिजिटल कार्ड भी लोगों को प्रदान किया जाएगा, जिससे भी लोग आसानी से अपनी सभी खरीदारी व अन्य भुगतान आराम से कर सकेंगे। पहली बार पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए किया जा रहा है। इसके चलते कार्य को अंतिम रूप तक पहुँचाने में काफी देरी भी लग रही है। मिली जानकारी के अनुसार अब डीपीआर तैयार होने के बाद जल्द ही टेंडर डॉक्यूमेंट प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। निदेशक स्मार्ट सिटी एवं मेयर नगर निगम धर्मशाला देवेंद्र जग्गी ने बताया कि धर्मशाला स्मार्ट सिटी में डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू करने वाला धर्मशाला देश भर में पहला स्मार्ट सिटी होगा। स्मार्ट सिटी का स्मार्ट सिटी में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन सिस्टम का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें डिजिटल पेमेंट की जाएगी और भारत क्यूआर सिस्टम होता है और एक उसमें मोबाइल ऐप होती है। इनको तीनों को इंटीग्रेट करके एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम धर्मशाला में करने जा रहे हैं, जिसमें सभी दुकानदार और होटलियर और जितने छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार होते हैं, सभी को इंक्लूड किया जाएगा। और इसकी डीपीआर जो बनाई जा रही है और उसके बाद जो टेंडर डॉक्यूमेंट है उसको फ्लोट करेंगे टेंडर डॉक्यूमेंट को, और उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़े से टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद ये टेंडर लग जाएगा, जिससे धर्मशाला में, मुझे लगता है कि हिमाचल में ये पहला सिस्टम चलेगा जिसमें हम स्मार्ट कार्ड की तरह धर्मशाला स्मार्ट कार्ड की तरह उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको धर्मशाला में शॉपिंग बेस पर हम लोग कर सकते हैं। और ये जो हमारे पर्यटक हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, पर्यटकों के लिए भी। तो पर्यटकों को भी यहाँ कार्ड बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, पर्यटक भी यहाँ के अपना कार्ड बनवा सकते हैं और उसी कार्ड पे वो सारी पेमेंट धर्मशाला में कर सकते हैं।